लब्धि सार अर्थ संदृष्ट अधिकार लेक्चर नंबर 7 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम शुद्धात्मने नमः नमो हरिहंतानं नमो सिद्धाय सारस्य क्षपणासारावीश प्रकाशिनः पदं स्तौमि नेमिन्दोर्माधव प्रभो यह श्री क्षपणासार गर्भित लब्धि सार का अर्थ संदृष्टि अधिकार है। इसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 502 पर आते 502। अभी प्रथमोक्षम संयुक्त का काल समाप्त होने पर क्या होता है उसकी हम बात यहाँ देखने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखते हैं प्रथमोक्षम संयुक्त का काल समाप्त होने पर उदय योग्य प्रकृति का द्रव्य अपकर्षण करके उदयावली अंतरायाम और द्वितीय स्थिति में निक्षेपण करता है। प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ तब क्या हुआ था तो तीनों ही प्रकृतियां उपशमित थी, यानी मिथ्यात्व का उपशम किया था उसी में से अन्य दो प्रकृति बनी और बीच में अंतर था, यानी वहां कोई निषेक थे नहीं उदय रूप। अब प्रथमोपशम का काल यानी उपशम का काल पूरा हुआ फिर भी बहुत सारा अंतर अभी बीच में बाकी है। तो ये हम पोजीशन देखते हैं उसकी कैसी है। तीन प्रकृतियां बनाई थी मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे तीन प्रकृति। द्वितीय स्थिति सबकी समान थी। अब यहाँ अंतर यानी यहाँ से उपशम समय तो प्राप्त हुआ ही करते 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 यहाँ तक आया, फिर भी अभी ऊपर इतना अंतर बाकी है। अब क्या होगा तो इसमें से द्रव्य का अपकर्षण होगा। अब जो उदय रूप प्रकृति होगी यहाँ सम्यक तो बना रहेगा तो सम्यक प्रकृति का उदय होगा। तीसरे गुणस्थान के योग्य परिणाम होंगे तो ये सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा या जीव मिथ्या दृष्टि होगा तो मिथ्यात्व का उदय होगा। तो जिसका उदय है यानी उदय रूप प्रकृति उदयावली से लेकर यानी उसकी निषेक रचना हो जाएगी। ये उदयावली में इस तरह से द्रव्य दिया तीन तीन क्रम से, फिर उसकी गुण श्रेणी होती है और फिर उसके ऊपरी यानी वहाँ अंतर जो है अंतर को पूर दिया जाता है यानी गुण श्रेणी तो ऐसे बड़ी है और फिर वहाँ जो अंतर जो है इस तरह से क्रम से अंतर पूरा दिया जाता है। ये तो उदयावली से देते हैं, यहाँ उदयावली से नहीं दिया जाएगा उसके ऊपर से दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक और इसका यहाँ से यहाँ तक। अब उसमें भी यथायोग्य कहाँ कितना द्रव्य दिया जाता है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। उदय रूप प्रकृति उदयावली में फिर बीच में अंतर में और द्वितीय स्थिति में दिया जाएगा। अब ये गुण श्रेणी की बात यहाँ नहीं उठाई उन्होंने पहले में, पहले उदयावली में अंतर में और ऊपर, क्योंकि अंतर में पहले कम दिया जाएगा और फिर बाद में जब पूरा हो जाएगा अंतर तो आगे की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ गुण श्रेणी वहीं से नहीं रहेगी यहाँ पर, क्योंकि जो उपशम सम्यक्त्व के संबंध में जो गुण श्रेणी की थी उसकी बात तो निकल गई है, अभी केवल अंतर पूर दिया जाएगा। अंतर पहले समय में ही पूर दिया जाएगा, पूरा अंतर पूर्ण नहीं होता, थोड़ा अंतर पूरा फिर और दिया और दिया असंख्यात गुना असंख्यात गुना द्रव्य दिया जाएगा और फिर अंतर पूरा। तो इसका किस पद्धति से दिया जाता है उसको भी हम देखेंगे पुस्तक के आधार से। तो देखिए उदय योग्य प्रकृति का द्रव्य, इसका अर्थ समझ में आता है तीन में से
जो उदय जिसका होने वाला है उसका द्रव्य यानी उसके परमाणु अपकर्षण करके कहाँ से अपकर्षित हुए द्वितीय स्थिति में से सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आ जाएंगे। कहाँ दिया जाता है उदयावली, उदय के समय से एक आवली काल तक उसको उदयावली कहेंगे। अंतराया जो बीच में जो निषेकों का अभाव किया था अभी फिर उसको वहाँ देकर निषेक बनेंगे नवे और द्वितीय स्थिति में निक्षेपण करता है यानी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अनुदय प्रकृति का उदयावली बिना उसका भी द्रव्य नीचे आता है उसका भी अंतर समाप्त होता है परंतु उदयावली में नहीं देते वहाँ उसके ऊपर से द्रव्य दिया जाता है अन्यत्र निक्षेपण करता है यानी अंतरायाम में और द्वितीय स्थिति में। वहाँ दर्शन मोह के द्रव्य को यानी जो सत्ता में द्वितीय स्थिति में दर्शन होने का द्रव्य है उसको गुण संक्रमण भाधार का भाग देने पर उदय योग्य सम्यक प्रकृति का द्रव्य ऐसा, ये हमने पहले भी देखा था कि पहले समय में कितना द्रव्य संक्रमित होता है वगैरह वगैरह उसकी बात हमने देखी थी। देखो 498 पृष्ठ पर देखा जो प्रथम समय में बात की थी वहां क्या देखा था जो सत्ता में जो द्रव्य है सभी कर्मों का स असंख्या द्वारा कुछ कम प्रथम समय वाला द्रव्य देखना 498 पृष्ठ में सम्यक प्रकृति का नीचे की लाइन में और फिर उसको 7 से भाग दिया तो मोनी का द्रव्य मिला, 6 से भाग दिया तो सर्वघाती मिला, 17 से भाग दिया तो अकेले मिथ्यात्व का द्रव्य और उसको गुण संक्रमण भागार से भाग दिया सम्यक प्रकृति का द्रव्य के पहले समय का है परंतु यहाँ इसी प्रपोर्शन में वहाँ होगा। तो ये सम्यक प्रकृति का द्रव्य ऐसा इसको अपकर्षण भागार की संदृष्टि यानी ये सम्यक प्रकृति का द्रव्य सत्ता में कितना है सभी निषेकों में मिलकर तो जो अभी हमने देखा इतना है क्योंकि जो पूरा दर्शन होने का मिथ्यात्व का जो द्रव्य था उसको गुण संक्रमण भागार से भाग दिया तो ये सारा ही द्वितीय स्थिति वाले जो सम्यक प्रकृति का द्रव्य यहाँ इतना पड़ा है। अब इन सभी में से कुछ परमाणु नीचे आएंगे तो जितने यहाँ परमाणु की संख्या है उसको विशिष्ट संख्या से भाग देंगे उसका नाम क्या है अपकर्षण भागहार। भागहार में भाजक जिस संख्या से भाग देना है उसको कहेंगे भागहार। तो उसके लिए संदृष्टि है ओ तो उसका भाग देंगे तो अपकृष्ट द्रव्य यानी कितना द्रव्य नीचे आएगा सभी निषेकों में से तो देखो हम पहले यहाँ से लिखते हैं तो आपको फॉलो करने में आसान रहेगा। देखो मैं क्या लिखती हूँ आपको देखना है स असंख्यात यानी समय प्रबल उसको मल्टीप्लिकेशन में 12 कुछ कम किंचित कम डेढ़ गुना है फिर उसको 7 से भाग दिया तो मोनी का द्रव्य अनंत से भाग दिया ख से तो सर्वघाती का द्रव्य 17 से भाग दिया क्योंकि सभी सर्वघाती में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो मिथ्यात्व का द्रव्य तो ये पूरा ये तीनों प्रकृतियों का मिलकर द्रव्य हुआ उसको गुण संक्रमण भागार से भाग दिया तो सम्यक प्रकृति का द्रव्य मिला। एक आया था वो नहीं लिखा एक लिखो या नहीं लिखो बात एक ही है। अच्छा जैसे हम कहते ना देखो मान लेते कोई संख्या है 25 और डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 1 तो एक लिखो या नहीं लिखो बात एक ही है इसलिए उसको एक नहीं लिखा तो इतना तो अकेले समय प्रकृति का द्रव्य है। अब उसमें से अपकर्षित द्रव्य कितना है तो उसको अपकर्षण भागार जिसको हम ओ कहेंगे इसका भाग दिया तो इतना द्रव्य अपकर्षित हुआ। यहाँ तक बात कर दें ये 502 पृष्ठ पर नीचे के लाइन में लास्ट लाइन में अब इसको असंख्यात लोक का भाग देने यानी ये जो टोटल द्रव्य क्या है इनमें से अपकर्षित हुआ मान लेते इतना द्रव्य अपकर्षित हुआ ये सारा मिलकर इतना द्रव्य नीचे लाए सभी परमाणुओं से मिलकर अब इसको क्या करना है क्योंकि अलग अलग जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है
जो टोटल अपकर्षित द्रव्य है वो कहाँ दिया जाएगा, उदयावली में दिया जाएगा, अंतर में दिया जाएगा, और द्वितीय स्थिति में भी प्रत्येक निषेक में थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। तो कहते इसको असंख्यात लोक का भाग देना, तो उदयावली में दिया द्रव्य आता है, यानी असंख्यात लोक का भाग देकर जो असंख्यात वा भाग मिलेगा एक भाग उसको उदयावली में देंगे। तो अभी इसके आगे असंख्यात लोक लिखना पड़ेगा, तो असंख्यात लोक उसी लाइन में लिखेंगे हम, ये दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ लिखती हूँ तो आपको आसान होगा समझना, क्योंकि आगे और दो तीन संख्या आने वाली। नीचे लिखो और नीचे था ऊपर आएगा ना, वही फिगर में यहाँ लिख रही हूँ। ये तो किसका द्रव्य हुआ, मिथ्या का, गुण संक्रमण भागार से भाग देने पर समय प्रकृति का, उसी को अपकर्षण भागार से भाग देंगे तो इतना टोटल द्रव्य एक समय में नीचे आया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इतने पूरे द्रव्य को असंख्यात लोक से भाग देंगे, ये सारी भाग देने वाली संख्या नीचे की लाइन में, यह है असंख्यात की साइन और तीन आड़ी लाइनें हैं लोक, लोक में जितने प्रदेश है उसका ये नाप है उस असंख्यात का, तो इसको कहेंगे असंख्यात लोक। तो इतना द्रव्य उदयावली में दिया। अब पढ़ते हैं हम 503 पृष्ठ पर, तो उदयावली में दिया द्रव्य ऐसा पहली लाइन में। अब इसका बहुभाग जो है इसका बहुभाग ऐसा माने 1 असंख्यात लोग, हाँ, परंतु उसको नहीं गिनेंगे तो आप इसको उड़ जाएगा, तो वो किस तरह से बीच में दिया जाएगा उसको यहाँ लिखते हैं। देखो इसके लिए आप पृष्ठ संख्या निकालना है तो आपको और अधिक आसान होगा समझने के लिए। 104 गाथा थी, 93 पृष्ठ 93 पेज, देखो ये भावार्थ ऊपर का 103 गाथा का भावार्थ पहले देखेंगे। अब तो उपशम सम्यक्त के काल से संख्यात गुणा जो अंतर आया, उपशम सम्यक्त का काल जितना बीत गया उससे ऊपर का रिमेनिंग अंतर जो है अंतर आयाम पूरा था वो तो संख्यात गुणा था, उसमें से उपशम सम्यक्त के काल प्रमाण निषेक तो अभाव रूप रहे, वे उपशम सम्यक्त के काल में व्यतीत हुए। अवशेष अंतर आयाम यानी बाकी जो निषेकों का अभाव किया था वे अभाव रूप थे, उनमें द्वितीय स्थिति का द्रव्य निक्षेपण करके पुनश्च उसका सद्भाव करता है। ये जो नीचे तो उपशम सम्यक्त समाप्त हुआ, अब ऊपर अभी और अंतर बाकी है, यहाँ से फिर दोबारा द्रव्य वहाँ दिया जाएगा और जो अभाव रूप किए थे फिर उसका सद्भाव किया जाएगा। अंतर में निषेक नहीं थे, शुरुआत का थोड़ा अंतर तो प्रथम उपशम समय तो में बीत गया और बाकी रिमेनिंग अंतर पूरा अंतर का काल पूरा उपशम का काल नहीं है। उपशम काल पूरा होने पर इसका आकर्षण होकर या फिर निषेकों की रचना हो जाएगी, उसका सद्भाव करता है। उस अपकर्षण किए हुए द्रव्य को जिस प्रकृति का उदय है उसका उदयावली के प्रथम निषेक से लेकर और उदयहीन प्रकृतियों का यानी अभी सम्यक प्रकृति उदय रूप है, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो उदयहीन है, उनका उदय नहीं होने वाला है, उदयावली के बाह्य यानी उदयावली के ऊपर के निषेक से लेकर अंतरायाम में और द्वितीय स्थिति में निक्षेपण करता है। तो कहाँ कितना द्रव्य दिया जाता है वो बात अभी 104 गाथा की टीका में,
वहां उदयवान सम्यक मुनि हो तो उसके द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग देकर ये उसका द्रव्य इतना सारा यहां तक तो उसका द्रव्य था यहां तक सम्यक प्रकृति का द्रव्य था उसको अपकर्षण भागार का भाग देकर बहुभाग तो जैसे थे वैसे रहे तथा एक भाग को एक भाग हुआ नहीं अपकर्षण भागार का भाग दिया तो ये एक भाग हमने नीचे लाया और बाकी ऊपर अपनी जगह रहा अपकर्षण भागार का भाग दिया तो एक भाग केवल नीचे अपकर्षित हुआ बाकी अपने जगह में अपने निषेको में बने रहे निषेको में से थोड़ा ही द्रव्य नीचे आया असंख्यात भाग मान लेते हैं तो ये एक भाग नीचे आया तो जो एक भाग है उसको असंख्यात लोक का भाग देकर ये असंख्यात लोक का भाग दिया उदयावली में देना अभी उदयावली में किस तरह से देना क्योंकि वहां तो निषेक थे नहीं निषेक थे नहीं तो निषेकों का सद्भाव करना है वहां पर तो उदयावली में नीचे ज्यादा फिर ऊपर कम फिर इस तरह से क्रमहीन रूप से उदयावली उसको कहेंगे चय घटते क्रम से पहले निषेक में दिया उससे थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम अब ये जो अपकर्षण किए हुए द्रव्य में से अवशेष बहुभाग रहा एक भाग तो यहां गया अपकर्षित द्रव्य में से एक भाग उदयावली में दिया और बहुभाग रहा उसका नाम अपकृष्ट अवशिष्ट द्रव्य अपकर्षण में से रहा बाकी रहा शेष द्रव्य उसमें से अंतरायाम के निषेकों का अभाव था उनका सद्भाव करने के लिए वहां कितना ही द्रव्य देना क्या कहना चाहते हैं पूरा हमने जितना यहाँ ये पूरा द्रव्य जितना नीचे लाया मान लेते इतना द्रव्य लाया तो उसको क्या किया हमने पहले पहले असंख्यात लोक का भाग दिया और एक भाग यहाँ उदयावली में दिया इतना बहुभाग है उसको अंतरायाम में भी देंगे और द्वितीय स्थिति में भी देंगे फिर उसको और किसी चीज से भाग देंगे कैसे देंगे उसको भी बताएंगे तभी सम्यक प्रकृति का द्रव्य कैसा है यहाँ पर पड़ा है निषेक रचना में पड़ा है और वो कैसे उसमें एक गुणानी दो गुणानी नाना गुणानियों में पड़ा है निषेक रचना में जहाँ परमाणु की संख्या प्रति निषेक थोड़ी घटते घटते जहाँ आधी होती है वहां तक एक गुणानी हो पल्ले के असंख्यात भाग जितने निषेक जाके वो आधा होता है फिर दूसरी गुणानी तीसरी गुणानी ऐसे नाना गुणानियों में स्थित है सम्यक प्रकृति का द्रव्य नाना गुणानियों में है वो ऐसा जो द्वितीय स्थिति का द्रव्य अभी 94 पेज पर है उसको अपकर्षण भागार का भाग देकर एक भाग जुदा करके क्यों जुदा किया हमने उदयावली में अवशेष बहुभाग मात्र जो द्रव्य रहा उसको अभी यह जो कुछ सूत्र बताएंगे द्विवर्ण गुणहानि भाजी दे पड़मा सूत्र द्वारा साधिक डेढ़ गुणहानि प्रमाण का भाग देने पर उस द्वितीय स्थिति का प्रथम निषेक आता है अच्छा अच्छा इसके समान अंतरायम के सर्व निषेक चेहरे स्थापित करके जोड़ने पर आदि देना अभी इसके इसमें नहीं चलना है आपको हम वहां से पढ़ेंगे क्योंकि हम अलग बात बताने जा रहे हैं अपने जगह पर आए पेज नंबर 502 तो पढ़ा हमने 503 पर आए हम तो उदयावली में कितना देना तो हमने देखा ये असंख्यात लोक का भाग देकर ये द्रव्य उदयावली में देना कैसे क्रमहीन रूप से दे देना अब बहुभाग ऐसा एक भाग ऐसा तो बहुभाग कैसा कल हमने देखा था 100 को हमने 10 से भाग दिया एक भाग की वैल्यू कितनी 10 वो एक भाग अलग निकाला 100 में से तो बचे कितने 90 तो बहुभाग निकालने के लिए क्या किया था 10 से भाग दिया एक कम 10 से गुण कर दिया अब यहाँ असंख्यात लोग से हमने भाग दिया है तो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे एक कम असंख्या तो हमें बहुभाग मिलेगा तो इसमें गुणकार ने असंख्यात लोक लिख कर
उसके ऊपर एक कम साइन का, ये हुआ बहुभाग। ये बहुभाग कहाँ कहाँ देने वाले, अंतरायाम में और द्वितीय स्थिति में सब में मिलकर, क्योंकि एक भाग हमने उदयावली में दिया है और ये बहुभाग की वैल्यू इतनी है। अभी आगे यहाँ गुणकार में एक कम को नहीं गिनने पर इतने असंख्यात लोग, ऑर्डिनरी असंख्या भी नहीं, असंख्यात लोग, बहुत बड़ी संख्या, उसमें से एक कम यहाँ और एक पूरा असंख्यात लोग यहाँ, तो संदृष्टि के लिए नहीं के बराबर है, इसलिए इसको हम यहाँ से अपवर्तन करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ये बहुभाग जितना है इतना ये बहुभाग होगा, क्योंकि उसको एक कम को नहीं गिनकर हमने कैंसिल किया, तो इस तरह से हुआ, ऐसा हुआ। इस अपकर्षण भागार का भाग देकर वहां एक भाग ग्रहण करके जो बहुभाग मात्र द्रव्य अवशेष रहा वह ऐसा, ये द्रव्य कहाँ पर, ये तो अपकृष्ट द्रव्य में से द्रव्य, ये तो उदयावली में दिया और बाकी बचा हुआ ये द्रव्य। अब ये पूरा द्रव्य अगर हम अलग करेंगे तो बाकी जो बचा है वो ऊपर पड़ा है, तो ऊपर पड़ा हुआ द्रव्य कितना है, वो एक एक भाग इतना है, तो बहुभाग कितना है, तो ये एक भाग है, तो बहुभाग की वैल्यू कितनी होगी, एक कम ओ से इसको हम गुणा करेंगे, ये बहुभाग जो ऊपर पड़ा है, बराबर ये, तो कहते एक भाग ग्रहण करके बहुभाग मात्र द्रव्य रहा वह ऐसा, ये चौथी लाइन में पढ़ना, ओ से भाग दिया एक कम ओ से गुणा किया, यहाँ गुणकार में एक कम को न गिनने पर, अभी फिर उसको हम दोनों जगह उसको नहीं गिनना हमको, ये तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमारे लिए। तो नहीं गिनने पर इन्हें थोड़ा सा द्रव्य गया है नहीं के बराबर, बाकी तो वहीं पर रहा है, तो यही आया ना सम्यक प्रकृति का पूरा द्रव्य करीब, तो नहीं गिनने पर ऐसा। अब कहते हैं यानी करीबन पूरा का पूरा द्रव्य, कहीं पर भी सत्ता में जो द्रव्य पड़ा है और निषेक रचना में है, निषेक रचना में क्या होता है, उसका नीचे के निषेक तो बड़े हैं और ऊपर तो टेपरिंग जिसको हम कहेंगे, हमने वो ऐसी त्रिकोण जैसी रचना देखी थी पहले भी, ऊपर उसकी संख्या कम होती चली जाती है निषेकों की, वैसे अगर हम निषेक उसको दिखाएंगे तो उसमें अनेक गुणहानियाँ वगैरह होगी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है पहले की वो बताएंगे। तो कहते हैं डेढ़ गुणहानि की संदृष्टि 12। अभी हमने क्या देखा, ये पूरा ही द्रव्य यहाँ का है, ये इतना पूरा द्रव्य है सम्यक प्रकृति का ऊपर रहा हुआ द्रव्य, तो उसको डेढ़ गुणहानि की संदृष्टि 12 उसका भाग देने पर द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक का द्रव्य ऐसा हुआ। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी है, यहाँ कितना द्रव्य है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो प्रथम निषेक की वैल्यू कहीं पर भी निकालना है, और जहाँ निषेक रचना इससे क्रमहीन रूप से चय घटते हुए होती है तो जो टोटल द्रव्य है उसको डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे, यानी इसको हम डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे तो यहाँ पहले निषेक का द्रव्य का प्रमाण मिलेगा। ये क्यों इतनी अटपटी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अंतरायाम में भी द्रव्य कितना दिया उसकी बात निकालते हैं, उदयावली में तो एक भाग प्रमाण लिया, अंतरायाम में जो दिया है वहाँ कितना द्रव्य दिया उसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए बात बताए, तो पहले निषेक में द्रव्य कितना होता है, तो ऊपर का जो द्रव्य है इसको डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे हम। तो द्वितीय स्थिति के प्रथम निषेक का द्रव्य ऐसा, तो यहाँ डेढ़ गुणहानि 12 उससे भाग देंगे, यहाँ तक बात करनी है मतलब यहाँ गुणकार में जो डेढ़ गुणहानि है और
किंचित डेढ़ गुना हाँ ये किंचित कम डेढ़ गुना नहीं है और ये डेढ़ गुना तो एक ही है संख्या की अलग अलग एक ही संख्या है पर तो वो कुछ कम है ये सादे के और ये पूरा डेढ़ गुना है अब इतने द्रव्य जो इतना है ना ये इसकी वैल्यू निकाले पहले तो हमने यहाँ उदयावली में तो द्रव्य दिया चाहे घटते क्रम से अब अंतर में कहाँ कितना देना है उसके बाद बताएंगे तो अंतर में जो दिया जाएगा तो इस तरह से क्रम घटते क्रम से दिया जाएगा टोटल परंतु उसका वैल्यू निकालने के लिए अभी इनका तरीका देखिए तो कहते हैं इसको अंतरायाम अंतर्मूर्त मात्र उससे गुणा करने पर अंतरायाम का समपट्टी का द्रव्य ऐसा यहाँ क्या बताना चाहते हैं अभी जो टोटल अंतरायाम में इतना द्रव्य दिया निशेक रचना हुई क्योंकि ये जो ऐसी गोपुच्छाकार त्रिकोणाकार रचना होती है वो ऐसे दी जाएगी तो पहले पहले यहाँ जो निषेक है उतने ही प्रमाण समरूप से हम कैलकुलेशन करने के लिए जितना इसमें है हमने निकाला ना ये बात पहले निषेक में मान लेते यहाँ 10 निषेक हो गए तो इसको 10 गुणा करेंगे तो यहाँ का द्रव्य आएगा पूरा उतना ही इसको कहेंगे समपट्टी द्वितीय स्थिति के पहले निषेक का जितना द्रव्य है उसके प्रमाण में अंतर्मूल प्रमाण जितने निषेक है तो इसको अंतर्मूल से गुणा करेंगे तो अंतर्मूल से गुणा करेंगे तो ये इतना सारा इतना एरिया जो है उसका द्रव्य कवर होगा तो हम इसको अंतर्मूल से गुणा करेंगे यहाँ अंतर्मूल के जितने समय है उस संख्या से यहाँ गुणा किया इसको कहेंगे समपट्टी का द्रव्य समान रूप से किसके समान है द्वितीय स्थिति के पहले निषेक के समान अंतर्मूर्त मात्र आयाम में जो द्रव्य दिया है वो इतना है अब जो साइड में है उसके कैलकुलेशन और बताएंगे इसमें चैधन मिलाने के लिए ऊपर साधिक की ऐसी संदृष्टि करने पर इतना द्रव्य हुआ क्या कहना चाहते ये तो समान रूप से कितना है वो उसको बताएं अभी साइड में जो दिया ना यहाँ पर यहाँ तो पहला निषेक तो इसमें एक चय था इसमें दो चय इसमें तीन चय इसमें चार चय इसमें पांच चय इसमें छह चय इसमें जितना तो जितने निषेक बनेंगे उतना एक एक चय से बढ़ते हुआ है द्रव्य इसकी सबकी टोटल करेंगे उसको कहेंगे चय धन यहाँ तो द्वितीय स्थिति का पहला निषेक इसमें थोड़ा ज्यादा है एक चय ज्यादा है इसमें दो चय ज्यादा है तीन चय ज्यादा है चार चय ज्यादा है तो इन सब की चयों की टोटल करेंगे उसका नाम है चय धन साइड में जो है हाँ जो एक्स्ट्रा है ये तो समपट्टी का वाली है बीच में और साइड में जो है उसको कहेंगे वो बढ़ता हुआ जो नीचे बढ़ते हुए हमेशा नीचे की ओर निषेक बड़े बड़े होते हैं एक तो समान रूप से हमने कैलकुलेट किया और ये जो लाल में बताया वो बढ़ा हुआ जिसको कहेंगे चय धन समपट्टी का प्लस चय धन मिलकर ये पूरा अंतरायाम का द्रव्य हुआ तो उसकी कैलकुलेशन नहीं बताते हुए क्या करेंगे उसको साधिक करेंगे साधिक यानी कुछ अधिक ये यहाँ की बात है ये अंतर्मूर्त की संदृष्टि साधिक के लिए सबके ऊपर एक ऐसी लाइन बनेगी ये पूरी संख्या है उसके ऊपर एक लाइन कर दी छोटी उसका अर्थ क्या होता है साधिक यानी कुछ अधिक क्योंकि ये बाजू वाला कम है ना ये तो बड़ा मेजोरिटी तो इतना द्रव्य है और वो चैधन वाला द्रव्य थोड़ा ज्यादा है इसलिए साधिक में उसको ले लिया संदृष्टि उसकी बनाई तो देखो यहाँ पर इतना द्रव्य हुआ साधिक ऊपर चैधन नहीं मिलाया था नीचे उसके ऊपर एक लाइन दिखी मिला कहाँ तक आया उसको उस अपकर्षण किए हुए द्रव्य में से ग्रहण कर अंतरायाम में देने पर अंतरायाम के अभाव किए हुए निषेकों का सद्भाव हुआ एक बार तो हमने उदयावली में दिया था उसको हम रेड कलर से दिखाते हैं फिर उसको हमने डेढ़ ये पूरे ऊपर की स्थिति जो इसको हमने कैलकुलेशन करके लिखा कितने कहाँ दिया तो उतना द्रव्य दिया कहाँ दिया तो अंतरायाम में तो ये अंतरायाम का टोटल द्रव्य हुआ ये अंतरायाम में हमने इतना दिया द्रव्य
मान लेते हैं, बाकी बचा हुआ द्रव्य कहाँ देंगे? ये ऊपर के निषेकों में, सर्वत्र थोड़ा 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 बाजू में और ऊपर तक दिया जाएगा सर्वत्र, प्रतिस्थापना वाली को छोड़कर सर्वत्र दिया जाएगा, क्योंकि वहां तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेक है, उनमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी टेपरिंग के रूप में, चाहे घटते क्रम से, तो आगे उसको बताएंगे। तो इंद्र सद्भाव हुआ, यानी ये जो अंतराय, इसमें से जो अंतरायाम में द्रव्य दिया उसको घटाने पर मिला ना, नीचे से एक दो तीन चार पांच भी रहे, जो अपकृष्ट द्रव्य किंचित कम हुआ, ये टोटल अपकर्षित द्रव्य था, इसमें उदयावली और अंतरायाम में देने पर थोड़ा ही कम हुआ, बाकी तो बहुभाग बहुत बड़ा रह गया है। वह ऐसा, अभी ये सारा इतना चला गया है, अब रहा कितना तो हमने देखा था कि तो सम्यक प्रकृति के द्रव्य को अपकर्षण भागार से भाग दिया था। ये बात यहाँ पर समय प्रकृति का द्रव्य पेज नंबर 502, नीचे से तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तीसरी लाइन कैसा था वो द्रव्य, फिर अभी हम बताते आपको। अकेले समय प्रकृति का द्रव्य देखो, इतना था ना, और नीचे 7, 17 और 2, समय प्रकृति का ऊपर जो द्रव्य था इतना था बराबर, और उसमें से अपकर्षित द्रव्य कितना था ये टोटल, तो उसको अपकर्षण भागार से भाग गया, ये टोटल समय प्रकृति में से नीचे आया हुआ द्रव्य, उसमें से किंचित कम हुआ, किंचित कम हुआ ने उदयावली में भी दिया और अंतर में भी दिया, वो किंचित कम हुआ, तो किंचित कम है ऑलरेडी ऐसी साइन है, किंचित कम करने के लिए और एक माइनस की साइन है। तो देखो इसके आगे दो लाइनें आ रही, पेज नंबर 503 पर नीचे से एक दो तीन चौथी लाइन, ये बात ख्याल में, ये पूरा जो अपकर्षित द्रव्य है पूरा, इतना हमने सभी में से निकाला था, वो उदयावली में भी दिया और अंतरायाम में दिया, तो इसमें से कुछ कम हुआ, तो कुछ कम होने के लिए माइनस साइन, पहले एक माइनस साइन थी उसमें और एक माइनस साइन जोड़ दिया, यानी कुछ कम, अब ये कुछ कम हुआ तो ये द्रव्य कहाँ चला जाएगा, ये पूरे द्वितीय स्थिति में साइड में दोनों ओर से दिया जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा, पहले निषेक में कितना देना, दूसरे में कितना देना, तीसरे में कितना देना, उसके लिए अभी कैलकुलेशन। तो कहते हैं इसको डेढ़ गुणहानि का भाग देने पर प्रथम निषेक ऐसा, प्रथम निषेक ने यहां पर दिया, अभी यहाँ पर देना है साइड में, यहाँ तो ये था ही द्वितीय स्थिति का पहला निषेक था, अब उसमें से ये सब में से थोड़ा निकाला था, और ये जो बहुभाग है वो सब द्वितीय स्थिति में ऊपर तक देंगे, तो पहले निषेक में कितना देंगे, तो ये जो किंचित कम जो हमने यहाँ देखा था उसको क्या करना, डेढ़ गुणाने से भाग देना, तो यहाँ दिए जाने वाले जो द्रव्य उसमें भी हम चाहे घटते क्रम से देंगे, इसलिए इसकी भी वैल्यू पहले की ऐसी निकालना, इसमें जितना टोटल द्रव्य दिया जाएगा उसको डेढ़ गुणानी भाग से भाग देंगे, तो पहले निषेक में कितना द्रव्य दिया जाएगा उसका उत्तर आएगा, पर यहाँ दिया जाएगा तो नीचे भी उसी प्रमाण में ये भी ऐसी समापत्ति का ये इस तरह से रहेगा नीचे थोड़ा, तो उसको भी कैलकुलेशन में बताएंगे अभी। देखो तो कहते इसको डेढ़ गुणाने का भाग देने पर प्रथम निषेक ऐसा,
अभी इसके आगे भागहार में 12 लिख दो, इसका अर्थ डेढ़ गुणानी का भाग दिया, उसका अर्थ इतना द्रव्य यहाँ दिया साइड में, द्वितीय स्थिति के साइड में, प्रथम निषेक के साइड में दिया, तो उसको डेढ़ गुणाने के बाद प्रथम निषेक ऐसा, उसको अंतरायाम से गुणा करने पर प्राप्त समपट्टी का द्रव्य को साधिक करने पर इतना द्रव्य अंतरायाम में और दिया, क्या कहना चाहते हैं? ये साइड से दिया ना, तो साइड से दिया तो ये तो ऐसे गोपुच्छा होनी चाहिए, तो कहते हैं अंतरायाम में इतना द्रव्य और दिया, क्योंकि दोनों के मिलकर ऐसी गोपुच्छा ऊपर तक जानी चाहिए, इसलिए पहले तो अंतरायाम का कैलकुलेशन किया था हमने, अब जो बचा हुआ द्रव्य उसमें से साइड में यहाँ पर भी देना, क्योंकि ये पूरे नीचे से ऊपर तक इस तरह से देना। उदयावली के साथ में गोपुच्छा नहीं होगी? नहीं, उदयावली में ऐसी होगी, क्योंकि अभी अभी अंतर शुरू किया, बाद में जब उदयावली बीत जाएगी क्रम से आवली काल के बाद और भी यहाँ द्रव्य दिया जाएगा, तो बाद में उदयावली के से लेकर ऐसी ये गोपुच्छा तैयार होगी, पहले समय में नहीं। अभी तो इसकी गोपुच्छा अलग और इसकी गोपुच्छा अलग, ये एकदम पॉइंट नहीं आता है इसका, फिर भी ये संदृष्टि इसी तरह से बताई जाती है, ये पहले समय वाली बात है। तो इसमें से यहाँ और इतना द्रव्य दिया जाएगा समान रूप से सर्वत्र, और फिर ऊपर क्रमहीन से दिया जाएगा। तो देखो यहाँ लिखते हैं, इतना द्रव्य अंतरायाम में और दिया, क्या किया इसमें, यहाँ 12 से गुणा किया, और वो इतना यहाँ देना था, और सभी इसमें देना है अंतरायाम में, इसलिए उसको साधिक करके नीचे दिया, देखो उसके ऊपर साधिक की साइन कर दिया, और उसके आगे अंतर्मूल से गुणा किया, यहाँ अंतर्मूल से गुणा किया, और नीचे यहाँ तो 12 से गुणा किया ही था, वो ओके आगे 12 आ गया, और ऊपर अंतर्मूर्त आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 से अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों में साइड में और दिया, पहले तो कैलकुलेट किया था, क्योंकि वो इसके निषेक के प्रमाण से कैलकुलेट किया था, अभी उस निषेक में और द्रव्य दिया साइड में, तो यहाँ नीचे भी और साइड में देना पड़ेगा, तो ये तो पहले तो टेपरिंग कर ही दिया था, अभी वो केवल ऐसे समान रूप से इतना द्रव्य और देना था, एक निषेक में इतना, तो अंतर्मूल प्रमाण निषेक में कितना, तो इस तरह से उसका उत्तर आएगा, मतलब वो अंतरायाम में साइड में दिया, साइड में दिया, अंतरायाम में साइड में दिया, पहले अंतरायाम में हमने कैसे कैलकुलेट किया था, समपट्टी का और चैदन, ये तो ओरिजिनल निषेक के साथ इस तरह से दिया था, अब ओरिजिनल निषेक में साइड में और दिया, तो नीचे भी साइड में और देना पड़ेगा, ये केवल कैलकुलेशन के लिए कहाँ कितना दिया है। इसमें द्वितीय स्थिति की जो गुणहानि है साइड में दिया है वो गुणहानि, और वो पहले अपन जो गुणहानि हिसाब में लिया उसका फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, देखो इसको गुणहानि नहीं कहते, डेढ़ गुणहानि, सॉरी डेढ़ गुणहानि का प्रमाण तो सेम हर जगह से, कर्मों की किसी भी कर्म की डेढ़ एक गुणहानि का प्रमाण सेम होता है, कर्मों की जो गुणहानि का प्रमाण है वो निश्चित है, बल्ले का संख्या प्रमाण हमने उसको 8 माना है, तो डेढ़ का प्रमाण 12 हो जाता है, और संदृष्टि में हर जगह उसको 8 ही दिया, डेढ़ गुणाने के लिए 12 लिखना है, तो ये तो टेपरिंग इस तरह से साइड में चय घटते क्रम से दिया जाता है। अब ये पहले निषेक में कितना देना है और नीचे कितना दिया, हमने अंतरायाम में कितना दिया वो गत बताया, अंतरायाम का इतना द्रव्य उसमें से और निकाला, तो अवशेष जो द्रव्य, अवशेष द्रव्य कैसा है, तो उसमें से थोड़ा ही गया ना, तो बाकी शेष बचा द्रव्य ऐसा, क्योंकि यहाँ इतना गया यहाँ गया और फिर ये साइड में से और थोड़ा गया, फिर भी किंचित ही गया, बाकी तो बहुभाग तो वहाँ वैसा ही पड़ा है, उसी की वैल्यूज नीचे की लाइन में बताइए कि अपकर्षण सम्यक प्रकृति को अपकर्षण आधार से भाग देने पर अपकर्षित द्रव्य जो था वो बहुभाग है, वो मैंने करीबन सर्व द्रव्य उसको द्वितीय स्थिति में देना है, तो क्या छोड़कर देना, तो अति स्थापना वाली छोड़कर,
ऊपर की आवली प्रमाण निषेक को छोड़कर बाकी सभी निषेकों में उसको देना और कैसे देना क्रमहीन रूप से देना चय घटते क्रम से ये साइड में जो ब्लू दिखाया है वो क्रम घटते रूप से यहाँ नीचे ज्यादा है ऊपर एक 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 चय घटते घटते ऊपर तक किया जाएगा तो अतीत स्थापना वाली छोड़कर द्वितीय स्थिति में क्रमहीन रूप से उदय योग्य प्रकृति में द्रव्य देने का विधान है ये तो सम्यक प्रकृति की बात हमने देखी तथा उदय अयोग्य का द्रव्य ये तो सम्यक प्रकृति की बात है मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात् का क्या होगा तो कहते उदयावली से बाह्य अंतरायाम और द्वितीय स्थिति में ही देते हैं ये उदयावली वाली जो यहाँ नीचे का एक ट्रायंगल बताया है वो वहाँ नहीं होगा डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से गोपुच्छ होगी यहाँ तक है द्रव्य और उसके नीचे गोपुच्छ होगी अंतरायम गोपुच्छ है ने ये जो ऐसे त्रिकोणात्मक जो है उसको गोपुच्छ कहते हैं गोपुच्छ ने गाय की पूछ ऊपर ब्रॉड है नीचे टेपरिंग है ये नीचे ब्रॉड है ऊपर टेपरिंग है तो शास्त्र में इसको गोपुच्छ कहते हैं उदयावली का कैलकुलेशन के लिए अच्छा हम क्या देखते हैं टोटल फिगर कैसे दिखेगी फाइनल रिजल्ट इस तरह से दिखेगा ये फाइनल तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने कहा कितना द्रव्य फिर कितना जो वो आसान होता है इसलिए उसके भेद करके समझा रहे बाकी फाइनल रिजल्ट जो है हमेशा निषेकों की रचना वो पूछा कर लिए नीचे ज्यादा ऊपर कम होती चली जाती है यहाँ उदयावली नहीं रहेगी बाकी तो निषेकों की रचना इसी होगी इति प्रथमोपशम सम्यक्त्वाधिकार संदृष्टि समाप्त उसकी संदृष्टि यहाँ बता दी बाकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो तो हम पढ़ा है प्रथमोपशम सम्यक्त्व के प्रकरण में अब क्षायिक सम्यक्त्वाधिकार में संदृष्टि लिखते हैं क्षायिक सम्यक्त्वाधिकार यानी दर्शन होने की क्षपणा होती है क्षय होता है तो वहाँ क्या होता है अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है पहले अनंतानुबंधी के परमाणु अन्य कषाय रूप परिणमित होकर संक्रमित होकर नष्ट हो जाते वहां प्रथम अनंतानुबंधी का भी संयोजन है वहां गुणश्रेणी आदि की संदृष्टि पूर्ववत जाना जहां जहां गुणश्रेणी होती है नीचे से जैसे हमने कि 1, 4, 16, 64 इस तरह से गुणश्रेणी की संदृष्टि दिखाई जाए यह तो हमारा प्रयोजन केवल संदृष्टियों को देखना है अब कहते हैं वहाँ चार पर्वों की और वहाँ के स्थिति कांडकों के प्रमाण की संदृष्टि ऐसी अब यहाँ अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है उसका उदय है क्या नहीं है अनंतानुबंधी का संलग्न नहीं नहीं क्योंकि ये सम्य दृष्टि है शायिक सम्य तो कौन प्राप्त करता है जो वेदक सम्य दृष्टि है वही करेगा शोषण समय दृष्टि क्षय को प्राप्त करे तो सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं उदय नहीं है परंतु सत्ता में है और क्षपणा करने के पहले वो सत्ता में से उसको नष्ट करना है तो वहाँ क्या होता है उसके स्थिति कांडक घात हो जाते अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण अनंतानुबंधी की सत्ता में स्थिति पड़ी है जैसी इतनी है ना उसकी अनंतानुबंधी की भी उतनी है तो एक अंतर्मूर्त में उसका पूरा सत्ता का नाश होना है तो कैसा होगा तो कहते कि स्थिति कांडक घात होगी उसकी यानी मान लेते अभी ये अनंतानुबंधी ऐसा मान लेते हैं वहां तो एक अनंतानुबंधी को हमारा बताने का प्रयोजन ये अनंतानुबंधी की उदय रूप जो निषेक है वो प्रत्यय प्रत्यय संयोजन रूप से
जो जिस गुण स्थान में है वहां उस रूप से उदय में आएगा, एक एक निषेध एट ए टाइम, परंतु सत्ता में बना रहे। अब विसंयोजना में क्या होता है विशेष, तो ऊपर के कितने ही निषेकों का घात हो जाता है, स्थिति कांडक घात जो है वो घात होकर क्या होता है, उसका उदय तो नहीं होगा, उसका संक्रमण होता है। एक अंतर्मुख में संक्रमण द्वारा ये स्थिति कांडक नष्ट हो जाता है, फिर दूसरे अंतर्मुख में और कांड घात होता है इस तरह से। तो शुरुआत में उसकी स्थिति कितनी थी तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण थी, यहाँ भी अंत अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, वहाँ तीन करण परिणाम होते हैं, अधकरण होता है, अपूर्वकरण होता है, अनिवृत्तिकरण होता है। तो अधकरण में तो विशुद्धि बढ़ रही है, अपूर्वकरण में से वो कांडघात शुरू हो जाते हैं और उसका संक्रमण भी चलता है अन्य प्रकृतियों में, गुण संक्रमण भी चलेगा उसका, हमने देखा था ये विशेषताएं होती है वहाँ पर, स्थितिकांड घात होता है, गुण श्रेणी गुण संक्रमण अनिवृत्तिकरण में होता है। तो यही बात यहाँ बता रही है, अनिवृत्तिकरण में आने पर क्या होता है उसकी बात है। तो कहते हैं परवयने कांडक, चार पर्वय यहाँ पर, और वो पर्वों की स्थिति कितनी है, यानी स्थिति सत्ता की स्थिति के चार भेद बताए, जिसको हम कहें माइलस्टोन्स बेस। तो शुरुआत में कितनी स्थिति है, तो पृथक्त्व लक्ष्य सागर अने लाखों सागरों की स्थिति है, क्योंकि पहले तो हमने देखे थे अपूर्वकरण के शुरुआत में तो अंत कोड़ा कोड़ी होगी, फिर घटते 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 अनिवृत्तिकरण में आए तो पृथक्त्व लक्ष्य सागर है। तो यहाँ पर कांडक का आयाम कितना होता है एट ए टाइम, तो कहते पल्ले का संख्या प्रभाव। तो ऊपर सत्ता की स्थिति अनंतानुबंधी की बात यहाँ चल रही है, ऊपर स्थिति ने सत्व, सत्ता में जो कर्म पड़ा है उसकी स्थिति कितनी है वो इस टेबल में ऊपर लिखे, ऊपर लिखे पृथक्त्व लक्ष्य सागर, ये पहला नंबर हम देंगे इसको। और वहां से लेकर दूसरा जो प लिखा है उसके बाजू में, पृथक्त्व लक्ष्य सागर से घटते 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 पल्ले तक जाएगा, इसको कहेंगे हम पहला पर्व एक। उसके बीच में कांडक का प्रमाण कितना है, तो पल्ले का संख्या प्रभाव जो नीचे के लाइन में लिखा है। देखो पृथक्त्व लक्ष्य सागर से लेकर पल्ले तक कैसे घटेगी, तो कहते हैं वो घटते 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 हजार सागर होगी, घटते घटते सौ सागर होगी, पचास सागर होगी, पच्चीस सागर होगी, एक सागर होगी, इसको कहेंगे असंगी जैसा, स्थिति बंध की जैसा इनका होता है सत्व, चतुरिंद्री के स्थिति बंध जिसका इतना सत्व होता है, इस तरह से घटते घटते चला जाता है। फिर सागर हो गए, सागर से फिर और घटते 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 पल्ले तक हो गए, ये पहला स्टेप पहला माइलस्टोन। यहाँ तक का कांडक का प्रमाण कितना है, पल्ले का संख्या का भाग। अब पल्ले जब अचीव कर दिया, यानी स्थिति इतनी कम हुई कांडक घात होते होते, अब कहते हैं कि जो कांडक का प्रमाण बदलेगा कितना होगा, तो यहाँ पाँच से डिवाइड किया और चार से गुणा किया, यानी ये पाँच ये संख्या है, जैसे हमने दस से भाग दिया नौ से गुणा किया, यानी बहुभाग आया ना, तो इसको कहेंगे पल्ले का संख्यात बहुभाग। एट ए टाइम कांडक कितना होगा, तो संख्यात्वा भाग स्थिति शेष रहेगी और बहुभाग इतनी नष्ट होगी। पल्ले प्रमाण स्थिति अचीव होने के पश्चात एट ए टाइम बहुभाग नष्ट होगा और संख्यात्वा भाग शेष रहेगा, ये कब तक होगा, तो दुरापकृष्टि होने तक। ये दुरापकृष्टि क्या है, तो पल्ले का संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग संख्यात्वा भाग इसे करते करते वो अंतिम संख्यात्वा भाग है, इसके आगे पल्ले का असंख्यात्वा भाग हो जाने वाली है स्थिति, तो पल्ले का अंतिम संख्यात्वा भाग, इसलिए ऊपर लिखो पल्ले डिवाइडेड बाय पांच 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 लिखा है बहुत बार, है ना, इसका नाम है दुरापकृष्टि। यानी पल्ले से लेकर दुरापकृष्टि तक नीचे कांडक का आयाम कितना लिखा, संख्यात बहुभाग, पल्ले का संख्यात बहुभाग,
पल्ले को 5 से भाग दिया, 4 से गुणा किया। अब ऐसे होते 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 कांडक होते होते देखो, ऐसे एक कांडक दो कांडक ऐसे सब पल्ले का संख्या तो भाग संख्या दो भाग इस तरह से नष्ट होते 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 कितना रह गया, तो कहते आवली भ्रमण। इसका नाम क्या है? उच्चिष्ट आवली। इसका उदय तो है ही नहीं है, क्योंकि अनंत आनंदी का उदय तो है ही नहीं समय दृष्टि के। अन्य रूप एक एक निशे का अन्य रूप होकर उदय में आ रहा है, तो अभी इतना ये उच्चिष्ट आवली रह गया। तब तक कांडक का प्रमाण कितना था? दुरापकृष्टि के बाद तो असंख्या बहुभाग असंख्या बहुभाग, यानी हर टाइम असंख्यातवा भाग रहेगा और असंख्यात बहुभाग कांडक रूप से नष्ट हो गया। इस तरह होते होते तो एक आवली प्रमाण शेष रहेगा, जिसको कहेंगे उच्चिष्ट आवली। अभी अनंतानुबंधी के इतने ही निषेक बाकी है और एक एक निषेक अन्य कषाय रूप से जो जिस गुण स्थान में उस रूप से होकर उदय में आकर ही नष्ट होने वाले। एक आवली में अनंतानुबंधी की विसंयोजना कंप्लीट हो, ये सारा प्रोसेस एक अंतर्मुक्त में हो गया। तो यहाँ जो बताया है पर्व की स्थिति, यानी इसको चार पर्व बताए, स्थिति के स्थिति सत्व के चार पर्व, पृथत्व लक्ष्य सागर से लेकर पल्य तक, ये इन बिटवीन। नीचे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने किया नहीं, वो तो वहाँ तो डिस्क्रिप्शन था और यहाँ उसमें उन्होंने उसकी संदृष्टि भी बताई है। मूल पुस्तक में ऐसे है ऊपर पृथत्व लक्ष्य सागर, यहाँ स्थिति थी, घटते घटते हजार यानी हजार सागर हुई, 100 सागर हुई, 50 सागर हुई, 25 हुई, एक यानी एक केंद्रीय के स्थिति बंद जितनी हुई, इससे भी और घटते घटते गए। यहाँ से हर बार कितना, एक एक बार में कितना कांड कायम हुआ, तो पल्ले का संख्या तब, तो कांडक का प्रमाण कितना है, तो यह नीचे लिखा है, तो पल्ले का संख्यात्व, ये संख्या किसा है, कब तक इतना प्रमाण रहेगा, जब जाके स्थिति पल्ले प्रमाण हो जाए तब तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कांडक का प्रमाण, पल्ले प्रमाण सिद्ध होने का। पल्ले से लेकर ये दुरापकृष्टि तक, दुरापकृष्टि ने अंतिम पल्ले का संख्या का भाग, तो यहाँ संख्यात बहुभाग 5 से भाग देकर 4 से गुणा करेंगे, इतना कांडक का प्रमाण यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। उसके बाद कांडक का प्रमाण कितना होगा? पल्ले का असंख्यात बहुभाग, इन्हें असंख्या से भाग देंगे और एक कम असंख्या से गुणा करेंगे। और वो बताने के लिए पल्ले के नीचे बहुत बार संख्या 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 से गुणा करके आगे उसको आगे असंख्या से भाग दिया और असंख्यात माइनस एक से गुणा किया, उसके आगे ये पल्ले डिवाइडेड बाय 5 5 5 5 5 कर दिया, क्योंकि दुरापकृष्टि में ऊपर वो संख्या ली थी, इसलिए ख्याल में आई बात। ऊपर तो ये ऐसे हमने ये उच्चिष्ट आवली वाला अंतिम स्थिति के चार पर्व बताए, इन दो के बीच में ये कांडक का प्रमाण, इन दो के बीच में ये कांडक का प्रमाण, और यहाँ दुरापकृष्टि से लेकर उच्चिष्ट आवली प्रमाण बाकी रहता है, तब तक कांडक घात हो गए, और कांडक घात होकर क्या हुआ, उसका संक्रमित हो गए, अन्य कषाय रूप हो गए, तो ये इतना उसका एक एक कांडक का प्रमाण इतना। तो एक छोटे से अंतर्मुख में इस तरह से उस कर्म का नाश हो जाता है। अभी उसके टेबल के नीचे देखें, टेबल के ऊपर लिखा ना वहां चार पर्वों की और वहां के स्थिति कांडकों के प्रमाण की संदृष्टि ऐसी, ये ख्याल में इसका अर्थ क्या है। अब आगे टेबल के नीचे, यहाँ स्थिति में पृथक्त्व लक्ष्य सागर की 7 या 8 लक्ष्य सागर, उसको पृथक्त्व लक्ष्य सागर था, मध्य में सहस्र आदि सागर की, उसके आगे कुछ लिखा नहीं, ऊपर पृथक्त्व लक्ष्य सागर लिख दिया और केवल वो 1000 100 50 वगैरह लिख दिया। फिर पल्ले की, पल्ले
दुरापो पृष्टि में चार बार संख्या से भाजित पल लिखो, चार बार संख्या से भाजित वो दुरापो पृष्टि की संदृष्टि बनाई, और उच्चिष्टावली की संदृष्टि प्रथम आदि पर्वों में जानना, पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा, इस तरह से उनके बीच यानी अंतराल में स्थिति कांडक आयाम में, स्थिति कांडक आयाम से वो स्थिति घटती चली जाती है, पल्ले के संख्यात वे भाग की यानी पहले और दूसरे के बीच में, पल्ले के संख्यात बहुभाग की दूसरे और दुरापो पृष्टि तक, पल्ले से लेकर, और दुरापो पृष्टि के असंख्यात बहुभाग की संदृष्टि जाती, ये संदृष्टि कैसी बनाई है, तो इतनी स्थिति घटती है उसमें कांडक का प्रमाण। पुनश्च सर्व कर्म के द्रव्य को सात, अनंत और सत्रह का भाग लेने पर अनंतानुबंधी क्रोध का द्रव्य ऐसा, हमने मिथ्यात्व तो द्रव्य के निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि मिथ्यात्व तो द्रव्य का निकालने के लिए सत्रह से भाग दिया था, तो मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यांचार, प्रत्याख्यांचार, संयोलनचार, हर एक के खाते में ये सत्रहवा भाग आएगा, इसलिए अनंतानुबंधी के क्रोध का द्रव्य भी इतना ही एक का लिए ना, उसको अपकर्षण भागार का भाग देने पर जो अपकृष्ट द्रव्य हुआ, क्योंकि अपकर्षण वाली बात तो वहां पर भी चलेगी, एक ऊपर जो हमने देखी वो स्थिति कांडक घात देखा, कांडकों में स्थिति घटी, निषेकों का अभाव हुआ, वो तो चल ही रहा है और अपकर्षण भी चलता रहता है, तो इतना अपकर्षण द्रव्य क्योंकि वो से भाग दिया, वहां जो अनंतानुबंधी क्रोध का द्रव्य है उसको अपकर्षण भागार से भाग दिया यानी ओ से भाग दिया, उसको उदयावली आदि में निक्षेपण करता है, उदयावली ने उदय के समय तो नहीं है परंतु फिर भी उदयावली तो है ना, आवली प्रमाण निषेक है, उदय में आते आते अन्य रूप से आ रहे हैं, परंतु द्रव्य तो नीचे दिया जाएगा उसका, और उसी को संख्यात का भाग देकर कांडक द्रव्य ऐसा, क्या कहना चाहते हैं, अपक एक होता है अपकर्षित द्रव्य और एक होता है कांडक द्रव्य, अपकर्षित द्रव्य ने सभी निषेकों में थोड़ा सा इन्हें असंख्यात भाग नीचे आता है क्योंकि अपकर्षण भागार की वैल्यू असंख्यात है, तो हमने अपकर्षण करने के लिए क्या किया था, ये टोटल द्रव्य जो देखा था ये सात, फिर सत्रह, हाँ इतना क्या हुआ था अनंतानुबंधी क्रोध का, उसमें अपकर्षित कितना हुआ तो डिवाइडेड बाय ओ, इतना द्रव्य अपकर्षित हुआ था। अब कहते हैं कांडक का द्रव्य कितना है, क्योंकि कांडक हमने देखे थे सागरों की स्थिति है और वो पल्ले का संख्या तो अभाग इतना एक एक कांडक है, पल्ले का संख्या का भाग तो या सागरों का संख्या का भाग को एक ही बात, क्योंकि टोटल सागरों को हम संख्या पल्ले लिखेंगे, तो ये जो संख्या का भाग है वो पल्ले का भी संख्या का भाग है, जैसे पांच संख्या पच्चीस का भी संख्या का भाग है, सौ का भी संख्या का भाग है, हजार का भी संख्या का भाग है, ऐसे ही ये कांडक में जो द्रव्य है वो टोटल द्रव्य का संख्यात्व भाग है, अपकर्षित द्रव्य के लिए हमने इसको लिया और कांडक के द्रव्य को लिए क्या करेंगे, यहाँ संख्यात लिखेंगे यानी संख्यात से भाग देंगे, टोटल द्रव्य का संख्यात्व भाग इस कांडक में आया, तो ये उसकी यहाँ संदृष्टि बनाई पहले लाइन में 505 पर। अभी इसके और विशेष चर्चा हम कल करेंगे, अभी तो यही रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे